बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि सर हम अनजान लोगों से बात की शुरुआत कैसे करें, अनजान लोगों के साथ बात करके उनको बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कैसे करें और अनजान लोगों की वजह से बिजनेस बहुत बड़ा क्रिएट कैसे करें। बहुत सारे लीडर को भी आपने बोलते हुए सुना होगा कि आप अननोन मार्केट में भी काम कर सकते हो, आप कोल्ड मार्केट के अंदर भी काम कर सकते हो। अब आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा, बहुत ही मेजर पॉइंट, एक अलग तरीके से समझाने की कोशिश करने वाला हूं कि अनजान लोगों की वजह से आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस कैसे क्रिएट करोगे, ये इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो के अंदर बने हुए हैं, आप एंड तक इस वीडियो को देखना, और आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कमेंट करके मुझे नीचे जवाब ज़रूर देना कि मान के चलते हैं आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे चलता हुआ एक इंसान आपके पास आता है और आपसे कहता है कि सर अभी एक हफ्ते पहले मैंने 1,00,000 रुपए की एक स्कूटी ली है या बाइक ली है, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है, मैंने एक स्कूटी ली है 1,00,000 रुपए की और उसे मैं बेचना चाहता हूँ एक हफ्ते के अंदर अंदर क्योंकि मुझे पैसों की अर्जेंट नीड है। सर मैं आपको गाड़ी की कागज दूंगा, मैं आपको सारा लाइसेंस वगैरह सब कुछ, जितनी भी चीजें जितने कागजात मेरे पास हैं वो सब कुछ मैं आपको देने को तैयार हूँ और मेरे को सिर्फ 40,000 रुपए की जरूरत है। सर सिर्फ 40,000 रुपए में मैं स्कूटी बेच रहा हूँ, पेपर वेपर सब कुछ देखे, एकदम ब्रांड न्यू स्कूटी है, 1,000 किलोमीटर भी नहीं चली सर। अब आप मुझे बताओ, सौदा तो बढ़िया है, 1,00,000 रुपए का है, ठीक है, 40,000 में मिल रहा है, अगर बेचना भी चाहोगे, एक हफ्ते की स्कूटी है, 1,000 किलोमीटर भी नहीं चली, तो 50-60 हज़ार में तो बेच दोगे, ठीक है, अगर बेचना भी है आपने कि आपने यहाँ से खरीदी कहीं और बेच दी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या आप ये करने को राजी होगे? क्या आप 1,00,000 रुपए की स्कूटी को 40,000 रुपए में खरीदने के लिए एक ऐसे इंसान से जिसको आप नहीं जानते, जो रोड पे चल रहा था, क्या उससे आप स्कूटी खरीदने के लिए तैयार होंगे, हाँ या ना? द आंसर इज अ बिग नो, हम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, ट्रस्ट क्रिएटेड नहीं है, हम उसको जानते नहीं है। बात इतनी सी है, भले ही वो कितना बढ़िया डील दे दे हमें, हमें वही स्कूटी 20,000 में भी क्यों ना मिले, हमें कोई फोन जो 1,00,000 रुपए का हो वो 20,000 में, 15,000 में, 10,000 में क्यों ना मिलने लग जाए, अगर हमारा ट्रस्ट नहीं है तो हम नहीं लेंगे। क्योंकि हमें एक सबसे बड़ी चीज रोकती है बिजनेस करने से, दैट इज ट्रस्ट। अगर आपका किसी के ऊपर या किसी और का आपके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर ना हो तो बिजनेस वहां पे जनरेट नहीं होता है। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है पर्पस पे। पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि हमें अननोन लोगों से बात करने से पहले ये समझना पड़ेगा मेरे भाई कि अननोन बंदा हमसे बात करेगा क्यों। हमें तो बात करनी है क्योंकि हमारे पास, आप समझ रहे हो, हमारे पास पर्पस है। अभी जब नेटवर्क मार्केटिंग में हम नहीं थे, उससे पहले क्या आप अनजान लोगों से बात करने में इंटरेस्ट रखते थे? नहीं रखते थे। जब हम खुद नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर तो हम अनजान लोगों से बात करने में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं रखते थे। आज हमारे पास रीजन है, इस वजह से हम अनजान लोगों से बात करना चाहते हैं। बट आप ये समझो कि उनके पास कोई रीजन नहीं है ना क्यों वो हमसे बात करें। तो अब यहां पे एक बहुत बड़ा पॉइंट निकलता है कि लोग उसी के साथ बात करने में इंटरेस्टेड होते हैं जिनसे उनका कुछ फायदा हो। बात समझ रहे हो? अब आपको ये देखना है कि जिस सेक्टर को आप टारगेट करना चाहते हो, आप स्टूडेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, आप हाउसवाइफ्स को टारगेट करना चाहते हो, आप किसी भी प्रोफेशन को टारगेट करना चाहते हो, किसी जॉब वाले इंसान को टारगेट करना चाहते हो, तो ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या पहले से प्रोवाइड करें जिससे उस सामने वाले बंदे का फायदा हो। अगर उसको उसका फायदा दिख गया ना तो वो अपने आप आपसे बात करने के तरीके ढूंढ लेगा। लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो कुछ और होना चाहिए। बात समझ रहे हो? एक फैक्टर है गिव वैल्यू इन एडवांस, प्रोवाइड वैल्यू इन एडवांस। तो बिना पैसा लिए हम उसके किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसको दे सकते हैं और कितना इफेक्टिवली उसको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, 100% हो रही होगी। आपको नोटिस करना है, फोकस करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, प्रोवाइड करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपने ये काम कर दिया, सामने वाला आपको ढूंढता हुआ आएगा, वो आपके लिए अननोन है, आप उसके लिए अननोन हो, लेकिन आप उसको नहीं ढूंढ रहे, वो आपको ढूंढ रहा है। बात समझ रहे हो? किसी भी टैलेंट बेस्ड पे कर सकते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ एक तरीका दे रहा हूँ, बाकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करना आपका काम है। वो आपको ढूंढते हुए आएगा, वो अपने फोन में आपका नंबर सेव करेगा, वो आपके ऊपर नजर भी, अगर आपने उसकी हेल्प कर दी तो उसके बाद वो आपके साथ कनेक्शन में भी आ जाएगा और उसके दिमाग में आपकी एक इमेज भी होगी कि सर इन्होंने मेरी हेल्प करी थी, सर। बात समझ रहे हो? और उसके बाद हम उसको अपने आप अपने बिजनेस के अंदर, क्योंकि हमने प्रोस्पेक्टिंग करी पर्पस के ऊपर। सो इसी टॉपिक के ऊपर मेरा 18 दिसंबर को एक सेशन होने वाला है, एक डिटेल्ड सेशन करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं मेजर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको आई बटन के ऊपर, मतलब आपके स्क्रीन के राइट साइड में टॉप कॉर्नर पे आई बटन के ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा। अभी वहाँ पे टैप करोगे आपको पूरी वीडियो डिटेल में दिख जाएगी और आपको सोल्यूशंस, जो आपके बहुत तगड़े प्रॉब्लम्स हैं ना, जो सबसे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं कि सर लीड कहाँ से लेके आए, सर नेगेटिविटी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे सर लोग पैसा निकालने को तैयार नहीं है, लोगों से पैसा कैसे कमाएं, सर हम पैसे कैसे कमाएं, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको उस वेबिनार के अंदर मिलने वाले। लेकिन वेबिनार के ऊपर डिटेल्ड वीडियो आई बटन के ऊपर लिंक पे दे रहा हूँ मैं, आप जाके उसको देख सकते हो, वेबिनार के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है कि लोग अजनबी से बात करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अजनबी हमसे क्यों बात करेगा,
एक अजनबी बंदा अगर हमसे बात भी करता है तो ट्रस्ट फैक्टर की कमी होने की वजह से हो सकता है 100 लोगों से हम बात करें तो एक बंदा, दो बंदा, पांच लोग मैक्सिमम कन्वर्ट हो जाए। पर अगर हम ट्रस्ट फैक्टर को डेवलप कर लेते हैं ना, तो 100 पे अप्रोच करेंगे 90 या 95 लोगों को हम ज्वाइन करा लेंगे। ये मैक्सिमम रेशो आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपने ट्रस्ट बढ़ा लिया अपना, राइट। सो एंड में मैं आपसे यही बात कहूंगा कि हंटर नहीं बनना है हम लोगों को, फार्मर बनना है। हर इंसान जो आपको मिलता है ना, अजनबी मिलता है, कोई भी मिलता है, कहीं भी मिलता है, आप सीधा अगर शुरू होगे, या मैंने भी ये गलती करी है, बहुत सारे लोग इनिशियल स्टेज पे ये गलती करते हैं, अगर आप सीधा शुरुआत कर दोगे, अपनी पिच फेंक के मारोगे उस पर कि सर मैं इस कंपनी से हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट नहीं, वो हंटिंग होती है, लोग बहुत उखड़ जाते हैं, लोग भागना शुरू करते हैं ऐसे लोगों से। हमें फार्मर बनना है, और इस वेबिनार के अंदर आपको प्रॉपर टेक्निक्स, प्रॉपर टिप्स दिए जाएंगे। सो यू रजिस्टर फॉर द वेबिनार, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको बहुत ज़्यादा शेयर करना है अपने डाउनलाइंस के साथ, ताकि उनको भी ये बात समझ आए कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है पर्पस के ऊपर। ऑलराइट, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, बड़ा खेलते हैं। तुझको ही अपना वो बाप बताएंगे।